रविश कुमार भारत में शायद ही किसी परिचय के मोहताज हों। एक वर्ग के लिए जहां वो पत्रकारिता के सभी मानकों पर खरे उतरने वाले पत्रकार हैं, तो एक वर्ग उन्हें यह कहते हुए भी नापसंद करता है कि उनकी खबरों में पक्ष विशेष का समर्थन किया जाता है और दूसरे पक्ष को टारगेट किया जाता है। खैर, इसमें क्या और कितना सही है इस पर गए बिना या तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रविश को सुनने वाले दोनों ही वर्गों से आते हैं, चाहे वो उन्हें पसंद करते हों या ना करते हों। रविश तो कई बार खुद कह चुके हैं कि जिन पार्टियों का मुझे विरोधी बताया जाता रहा है, मेरे समर्थक उन पार्टियों में भी बहुत अच्छी संख्या में हैं। बात करें रविश कुमार की यूट्यूब कमाई की, तो आपको शायद यकीन ना हो, रेमन मैक्सेसे अवार्ड पा चुके रविश कुमार का पत्रकारिता में 30 साल से ज़्यादा अनुभव है। नवंबर 2022 में रविश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल पर 24 मिनट की वीडियो डाली थी और टीवी चैनल से त्यागपत्र देने की सार्वजनिक घोषणा कर दी थी। रविश के यूट्यूब चैनल पर उस दिन तक 10 लाख से कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर हुआ करते थे। रविश ने इस यूट्यूब चैनल को 3 जून 2022 को बनाया था। इस अकेली वीडियो को ही लोगों ने 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखा है। अभी रविश को त्यागपत्र दिए 1.5 साल भी नहीं हुए हैं और उनके सब्सक्राइबर 96 लाख हो चुके हैं। जी हाँ, 96 लाख, यानी 9.6 मिलियन। यह संख्या कई राष्ट्रीय टीवी न्यूज़ चैनल से भी ज़्यादा है। चैनल पर शुरुआती 650 दिनों में कुल 526 वीडियो अपलोड हैं, जिसके व्यूज़ 98 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। सब्सक्राइबर संख्या के आधार पर यह चैनल विश्व में 394वें नंबर पर आता है, वहीं भारत में 214वें पायदान पर है। लेकिन अगर न्यूज़ कैटेगरी में चैनल की बात करें तो इसकी रैंकिंग 57वीं है। रविश के चैनल पर सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 30 दिनों में ही उन्होंने लगभग 7 लाख नए सब्सक्राइबर बनाए हैं। बात करें अगर रविश कुमार द्वारा YouTube से कमाई की, तो आप महीने में $40,000 से लेकर के $640,000 तक की हो सकती है, यानी 33 लाख से 5 करोड़ 33 लाख तक। या तो रही महीने की बात, लेकिन अगर सालाना कमाई की भी बात करें तो इसकी रेंज 4 करोड़ से 64 करोड़ यानी $7.7 मिलियन तक की बनती दिखती है। यह अमाउंट तब है जब इसकी कैलकुलेशन में सोशल ब्लेड द्वारा स्पॉन्सरशिप और ब्रांड्स को शामिल नहीं किया गया है, और अगर बाकी अन्य मोनेटाइजेशन विकल्पों को इसमें जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल यूट्यूब अर्निंग इससे भी ऊपर चली जाएगी। यानी यह कहा जा सकता है कि अगर आपके पास काबिलियत है तो आपके लिए कोई पद, संस्थान, प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना आपकी तरक्की के लिए मायने नहीं रखता। आप अपनी योग्यता से जब चाहेंगे वह मुकाम बना लेंगे। वैसे रविश कुमार की पत्रकारिता आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।